हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, पहले तुम लोग इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तोड़ते हैं सर इसे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एंगुलर मोमेंटम समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी फिर इंप्रूवमेंट तो हमारे चुटकियों में करा ही देंगे। नहीं हो पाएगा सर, अगले क्लास में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। समझिए सर, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये मोमेंटम क्या होता है। भैया मोमेंटम हम लोग छोटे क्लास में पढ़ा करते थे, पी बराबर एम इंटू बी। ठीक है सर, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होती है। ठीक, अब जहां कहीं भी वेलोसिटी होगी वहां मास भी होगा। समझाते हैं कैसे। हम मान लिया हम यहां चल रहे हैं सर, देखिए हमने चलना शुरू किया। अब जब हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर वेलोसिटी आई, लेकिन क्या मेरा कुछ मास नहीं होगा? 5 किलो 10 किलो 20 किलो कुछ तो होगा सर। यानी जब कभी किसी बॉडी में कोई बॉडी चल रही है तो उसमें वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी के साथ साथ क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। थोड़ा हिंदी वालों को भी बता देते हैं कि अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो अगर उसमें वेग होएगा तो वेग के साथ साथ क्या होगा? संवेग भी होगा। इसे तोड़ के देखिए, सम प्लस वेग। संवेग द्रव्यमान के साथ वेग को कहते क्या है हम लोग? संवेग कहते हैं भैया। ठीक, और संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। लेकिन हम लोग मोमेंटम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। चलो समझा दे रहा भाई। अब सीधी सीधी रेखा में गति कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो सर मोमेंटम है। लेकिन अब मान लिया जेल लो यहां भैया जो है अंधाधुंध गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, रिजिड मोशन कर रहा है। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या कोई रिजिड बॉडी है वो मोशन कर रही है। यानी ओवरऑल यह है कि जब कभी हम लोग एंगल बनाते हैं सर, एंगल बन रहा, वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, इस तरीके की चीजें, तब उसी मोमेंटम को हम बोल देते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल देते हैं? एंगुलर मोमेंटम। समझिए, तो भैया एम इंटू बी, अभी कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, मान ली हम मूव कर रहे हैं, तो हमारा मास कितना, लीजिए हम आपको समझा ही देते हैं सर। देखिए हमारा मास कितना है एम, हमारी वेलोसिटी कितनी है बी। मान लिया हमने वृत्ताकार पथ पे सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करा, उसकी रेडियस मान लिया कितनी है आर। तो ये अभी तक जब तक ये केवल एम इंटू वी है तब तक ये मोमेंटम है, और जब हम इसकी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। लिखा करेंगे जे से, मेरे भाई का है, लिखा करेंगे जे से, जे इक्वल टू एम बी आर। तो आज से आपको समझ में क्या आया, सबसे पहले B for velocity, B for velocity, अब velocity किसमें है? M में है, किसमें velocity? M में, तो M into V momentum। अब अगर circular motion है तो उसकी radius कितनी है R, तो M into V into R क्या हो जाएगा? Angular momentum। क्या हो जाएगा दोस्तों? Angular momentum। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। देखिए सर, किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप आराम से देख लेंगे। फिलहाल अभी हम समझाते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमने लिख दिया जे बराबर आर क्रॉस पी, जे बराबर आर क्रॉस पी। पी क्या है बताइए? मोमेंटम है। कौन सा है? लीनियर मोमेंटम। उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? आर से। वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो भैया आर क्रॉस पी ही आप लिख सकते हैं, पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है डायरेक्शन से, आर से पी की ओर। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मान लिया आप लखनऊ जा रहे हैं सर, ये लो भैया ऐसे करके मील का पत्थर बना था एल के ओ लखनऊ लिखा था 185 किलोमीटर, यहां से कोई रागी आया उन्हें इधर से मिटाला यहां लगा दिया, तो बरेली मुरादाबाद पहुंच जाओगे कहीं। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें डायरेक्शन से पंगा नहीं ले सकते हैं। जे बराबर आर क्रॉस पी होता है, क्या किया भाई? ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन कर दिया सर। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आ जाएगा डीजे ओवर डीटी। इधर आपको पता होगा फर्स्ट फंक्शन, अब इतना तो भैया बीएससी कर रहा हो, मैथ इतनी तो आती होगी, पहले दिन फार्मूला पढ़ाता आदमी, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, या डी बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, या लोग ऐसे भी बताते हैं कि पहले का करा दूसरे को छोड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का करा, तो सर ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डीजे ओवर डी टी बराबर डी आर अपॉन डी टी इन टू पी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। ठीक भैया, अब क्या करा जाता है, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लो भैया जो डिस्टेंस है dr और जो क्या है dt, टाइम है dr अपॉन dt को क्या बना दिया? b बना दिया। p बराबर क्या लिख दिया? m into v लिख दिया। r ऐसे लिख दिया, पीछे पढ़ा चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी dp अपॉन dt क्या होता है? f होता है। यहां पे f लिख दिया सर। ठीक है, अब b क्रॉस b क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो होती है, तो b क्रॉस b क्या कर दिया? जीरो हो गया। यहां क्या बचा? r क्रॉस f बचा। इधर क्या चल रहा है? dj ओवर dt चल रहा है, और भैया r क्रॉस f होता है tau। tau बोले तो क्या? बल आघूर्ण।
टाउ बोले तो बल आघूर्ण, जिसे कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे में लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर क्रॉस एफ बन जाएगा टाउ, यानी डीजे ओवर डीटी बराबर भाइयों क्या आ गया? डीजे ओवर डीटी बराबर आ गया टाऊ के। टर क्यों बोलते हैं बहुत सारे लोग? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है सर, बल आघूर्ण हिंदी में बोलते हैं। अतः अब देखिए यहां पे सीखिए, जे माने एंगुलर मोमेंटम, जे माने एंगुलर मोमेंटम, डी माने चेंज यानी परिवर्तन, डी माने चेंज यानी परिवर्तन, टी माने समय यानी बटे में दर, टी माने समय, समय को हम लोग बोलते हैं रेट या फिर दर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। सरल भाषा में कहें तो भैया संवेग कौन सा बताइए? एंगुलर मोमेंटम को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है सर, हमने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया? अतः एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने का रेट उस पार्टिकल के टर्क्यू के बराबर होता है या टॉर्क के बराबर होता है, तथा किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट को टॉर्क कहते हैं। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, टाउ क्या भैया? जब जे सीधा होता है तो इसे जे कहते हैं, सीधा होता है तो इसे क्या कहते हैं? जे कहते हैं। और उल्टा होता है तो इसे क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं सर। ठीक है, तो यह भी इंप्रूवमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले तो आपको कंजर्वेशन समझना पड़ेगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है आरक्षित, रिजर्व कह सकते हो एक तरीके से, कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही रहेगा, मतलब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहां हमने लिख दिया, यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। लीजिए सर, दो मिनट में आपको हम समझा देते हैं। मान लिया अपने पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है? F बराबर dP अपन dt है। अगर F का मान हम लोग जीरो कर दें तो dT इधर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो dP बराबर क्या हो जाएगा भैया? जीरो। तो P का मान कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। D माने चेंज है, अगर P में कोई चेंज नहीं हो रहा मतलब P का मान कांस्टेंट है तभी तो dP जीरो होएगा, यानी चेंज इन P इक्वल टू जीरो, यानी P कांस्टेंट है, यही तो होता है सर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? लो भैया यही लिख दिया हमने, यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। यदि कोई पार्टिकल जिसका मास m है, f इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? f बराबर dP अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। भैया एफ ऐसे रख दिया, पी इक्वल टू क्या होता है? एम बी, अभी बताया यहाँ एम इन टू बी रख दिया, लिख दिया यदि पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगे तो डीपी अपॉन डीटी क्या हो जाएगा? जीरो। टी उधर गया जीरो, तो पी का मान क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। यदि पार्टिकल सिस्टम में अवेलेबल है तब उस पर टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? यानी बहुत सारे अगर पार्टिकल्स हैं तो P को क्या लिख सकते हैं? P1, P2, P3 बहुत सारे लिख दिया हमने। F equals to 0, तो P1 plus P2 plus P3 plus 10, 10, 10 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे लग रहे हैं मोमेंटम उस पर, तो कोई बात नहीं, सब जीरो कर दिया। इनमें से हमने कोई दो उठा लिए, P1 plus P2 बराबर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? P1 बराबर माइनस P2, और P1 बराबर m into b, P2 बराबर m into b माइनस का। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, बटे में आ गया dt, बटे में आ गया dt। और भैया इधर देखो, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? त्वरण। यानी आ गया a, यहां आ गया a माइनस चली रहा, ये क्या बन गया? f1, ये क्या बन गया? f2। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। यानी अगर कोई आपसे कहे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इसकी सहायता से आप न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लेके आएंगे, तो आप न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लेके आएंगे? ऐसे लेके आएंगे, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है भाई, कल हम लोग चर्चा करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एन पार्टिकल, अगर एन पार्टिकल है तब हम लोग किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSC टेलीग्राम पे, 1700 से लोग ऊपर वहां पे जुड़ चुके हैं और सारे लोग फ्री एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं। कोशिश है आप तक सारी चीजें पहुंचाने की, तो बस यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।